नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत है कुकिंग विद फ्लेम पर। एंड आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई की स्पेशल पाव भाजी। जी हां, चटपटा मसालेदार पाव भाजी। एंड फ्रेंड्स, बेसिकली ये पाव भाजी क्या है? पाव भाजी एक इंडियन कुजीन है जो कि मुंबई में बहुत पॉपुलर एंड फेमस डिश है। पाव भाजी वेजिटेबल की प्यूरी होती है, आप लाइक उसे मैशी वेजिटेबल भी कह सकते हैं, जिसे सॉफ्ट ब्रेड पाव के साथ खाया जाता है एंड बहुत पॉपुलर है इंडिया में, स्पेशली मुंबई में, क्योंकि वड़ा पाव, समोसा पाव, पाव भाजी, ये सभी चीज़ें स्ट्रीट फूड है जो कि मुंबई की बहुत फेमस और पॉपुलर फूड है। एंड पाव भाजी आप बहुत सिंपली अपने घर पे बना सकते हैं, अपनी मनपसंद सब्जियों को इंडियन स्पाइसेस के साथ कुक करके, सिंपली लाइक अ मैशी वेजिटेबल बना के आप पाव भाजी घर में ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल एंड इजी मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पाव भाजी की रेसिपी को। पहले हम वेजिटेबल्स को बॉईल करेंगे। ये देखिए, ये है हमारे पास कटे हुए आलू एंड ये है हमारे पास पम्पकिन यानी कद्दू को मैंने पील किया, उसके बाद उसे कट कर लिया है। एंड ये है बॉटल गर्ड एंड ये है मेरे पास चॉप किया हुआ कैप्सिकम एंड ये है मेरे पास कैरेट। तो वेजिटेबल सारी रेडी है, तो अब हम इन्हें एक प्रेशर कुकर में इन्हें बॉइल करेंगे, यानी कि हमारी जो सब्जी हम ऐड करेंगे ये कटे हुए आलू एंड उसमें ऐड करेंगे बॉटल गार्ड, ये देखिए, एंड ऐड करेंगे ये पम्पकिन एंड कैरेट, वाटर, ये देखिए। एंड अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, ये देखिए हमने इसको बंद कर दिया है और इसे कुक होने देंगे इसकी एक से दो सीटी आने तक। फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स हमारी बॉईल हो गई, तो चलिए देखते हैं बॉईल हो गई है, ये देखिए ये अच्छे से बॉईल हो गई है। एंड अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे स्मूथ एकदम। आप इसे मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं एंड आप लैडल से लाइक इस तरह से भी मैश कर सकते हैं। एंड बिल्कुल जो शॉर्ट टर्म मैंने यहाँ पे यूज़ की है वो मैंने ब्लेंडर यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर से सभी वेजिटेबल्स को ब्लेंड कर दिया है, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से, शॉर्ट टर्म के लिए यही है। एंड वेजिटेबल्स को मैं ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, लाइक उसे प्यूरी टाइप का हमें नहीं बनाना है, उसे लाइक मैशी ही रखना है, तो उसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करें। तो बिल्कुल इसी तरह से आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं, अगर आप ब्लेंडर नहीं है तो आप लैडल या मैशर की हेल्प से इसे मैश कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वेजिटेबल को हमने यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल हमने इसको मैश कर लिया है। एंड ये हमारे पास चॉप किया हुआ अनियन, चॉप किया हुआ टमाटो, चॉप किया हुआ कैप्सिकम एंड चॉप किया हुआ कोरिएंडर एंड ये हमारे पास जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे सभी रेडी हैं, तो चलो अब हम लगाते हैं इनका तड़का। तो ये मेरे पास पैन बिल्कुल रेडी है, ये गर्म हो गया है। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइन ऑयल, ये देखिए, एंड हम इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो हमने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया है, ये देखिए हमने जिंजर और गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड अब हम इसे लिटिल बिट सौते करेंगे, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम इसे कुक करेंगे, इसको हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इसे बस लाइटली कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ऑलमोस्ट जो हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो कुक हो गया है। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चॉप किए हुए अनियन रखे थे, ये देखिए हमने चॉप किए हुए अनियन यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे, इसके लाइट गोल्डन कलर आने तक अब हम अनियन को कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट जो हमारा अनियन है उसका जो कलर वो चेंज हो गया, लाइट गोल्डन कलर आ गया है, ये देखिए। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ टमाटो, आप यहाँ पर टमाटो को प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, टमाटो को, फ्रेश टमाटो को ग्राइंड करके भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड इसमें हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, क्या होता है कैप्सिकम एक अच्छा फ्लेवर देती है जब हम उसे चॉप करके हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो हमें कैप्सिकम को वेजिटेबल्स में बॉईल नहीं करना है, उसे हमें चॉप करके यहाँ पर ऐड करना है। एंड अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर लाइक अ मैशी टाइप का कुक होने देंगे। एंड इसमें हम ऐड करेंगे इनके स्पाइसेस, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर एंड इसमें ऐड करेंगे किचन किंग मसाला पाउडर, एक अच्छा फ्लेवर देता है। एंड कलर के लिए ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर एंड ये रेड चिली पाउडर, एंड इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी चिली पाउडर, लाइक अ देगी मिर्च भी कहते हैं उसे, इसके रेडिश कलर के लिए, क्योंकि जो पाव भाजी में जो कलर आता है रेडिश वो कश्मीरी चिली से आता है। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर, तो
मसाले हमने यहाँ पर सभी ऐड कर दिए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पाव भाजी मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। यहाँ पर हमने घर में जो यूज़ होने वाले मसाले हैं हमने सिर्फ वही यूज़ किए हैं। आप भी पाव भाजी मसाला, ज़रूरी नहीं है कि आप पाव भाजी मसाला ही यूज़ करें, आपके घर में जो मसाले अवेलेबल हैं आप उन्हें ऐड करें। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। एंड अब हम स्पाइसेस एंड जो हमने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं उन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक होने देंगे लाइक अ मैशी। तो अभी हम इसमें लिटिल बिट वाटर ऐड करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। तो हमने यहाँ पर वाटर भी ऐड कर दिया है, हमें ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है, हमें लिटिल बिट ही वाटर ऐड करना है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। एंड हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे स्पाइसेस हैं, जो वेजेस हैं जो यहाँ पर ऐड कर रखे हैं वो अच्छे से मैशी टाइप में कुक हो जाएं। तो अभी हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मसाले हैं, जो हमारे अनियन एंड टमाटो है, वो अच्छे से कुक हो गया है। एंड उसे आप लैडल की हेल्प से, आप इसे इस टाइप से प्रेस करके आप इसे अच्छे से मैश कर दें लाइक अ मैशी। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से, ताकि जो हमारे जो फ्लेवर्स हैं वो हमारी वेजेस में अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड ऑलमोस्ट पाव भाजी का मसाला हमारा रेडी हो गया है, वो कुक हो गया है। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने वेजिटेबल्स को बॉईल किया था, उन्हें मैश किया था, वो मैश की हुई वेजिटेबल्स को हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। एंड अब हम उसे मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं, हमारा जो मसाला है, वो वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सौते करेंगे, अच्छे से कुक करेंगे एंड सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी वेजिटेबल्स के साथ, ताकि हमारे पाव भाजी में एक अच्छा फ्लेवर आए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट जो हमारा पाव भाजी है, पाव भाजी की जो भाजी है वो रेडी हो गई है। ये देखिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट जो हमारी पाव भाजी की भाजी है वो रेडी हो गई है। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ कोरिएंडर, हम इसमें चॉप किया हुआ कोरिएंडर ऐड करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर चॉप किया हुआ कोरिएंडर भी ऐड कर दिया है। एंड अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा कोरिएंडर है वो अच्छे से हमारे भाजी में, हमारी जो मसाला है, पाव भाजी का मसाला है, उसके अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर, क्योंकि बटर हमारे पाव भाजी में एक अच्छा रिच फ्लेवर देता है। तो हमने यहाँ पर बटर ऐड कर दिया है। एंड अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, हमारी जो पाव भाजी का जो मसाला है वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट जो हमारी पाव भाजी की जो भाजी है वो रेडी हो गई है। एंड अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि जो हमारी भाजी है वो कुक हो गई है। एंड अब हम करेंगे पाव भाजी की गार्निश। ये देखिए हमारे पास कुछ अनियन के रिंग्स है, तो हम इन अनियन के रिंग से पाव भाजी की टॉप पे इसकी गार्निश कर देंगे। ये देखिए हमने अनियन के रिंग से इसकी गार्निश कर दी है। एंड ये हमारी ग्रीन चिली, एंड इस पे ऐड कर देंगे छोटी सी बटर की स्लाइस। तो देखिए फ्रेंड्स, गार्निश हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। एंड अब हम पाव को बटर के साथ गरम करेंगे। तो यहाँ हमारा तवा गरम हो गया है एंड इसमें ऐड करेंगे हम बटर। और ध्यान रखें हमें फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर जो हमारा बटर है वो स्मोक कर जाता है। एंड इसमें हम ऐड करेंगे लिटिल बिट रेड चिली पाउडर, ये देखिए। एंड इसमें ऐड करेंगे लिटिल बिट कसूरी मेथी, एक अच्छा फ्लेवर देती है। एंड हल्का सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर, एंड इसको लिटिल बिट हम बटर में मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे। फ्लेम का खास ध्यान रखें, हमें हाई फ्लेम नहीं करना है क्योंकि हमारा जो बटर है वो स्मोक कर जाता है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा बटर है वो मसाले के साथ गर्म हो गया है। एंड अब हम इसमें जो हमारा पाव है उसे 1/2 कट करके ऐसे सेक लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। एंड अब हम इसकी साइड्स को चेंज करके दोनों साइड से अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पाव हमारा गरम हो गया, हमने इसे अच्छे से सेक लिया है। एंड हमारी पाव भाजी, मुंबई की स्पेशल पाव भाजी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप फ्रेंड्स इसी तरह से घर पे ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिंपल एंड इजी मेथड है, बिना किसी
पाव भाजी मसाले का आप घर में पाव भाजी अपनी मनपसंद सब्जियों के साथ ट्राई कीजिए। एंड फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप चाहें तो उसे वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। एंड फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ।